हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरी चांदनी है, देखिए कितने ढेर सारे फूल आ रहे हैं और ढेरों बर्ड्स भी आई हुई हैं। और इसमें मैंने अभी 2 महीने पहले रिपोर्ट किया था, क्योंकि छोटा पॉट था तो उसमें चल नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने इसे बड़े वाले पॉट में इस रिपोर्ट किया। तो अब इसमें देखिए कितनी फ्लावरिंग शुरू हुई है। फ्लावर तो पहले भी आते थे पर छोटा पॉट था तो उसमें कम आ रहे थे, क्योंकि रूट को फैलने की जगह नहीं मिल रही थी। और ये चांदनी है, ये काफ़ी हाइट पकड़ जाती है, 5 फीट तक हो जाती है ये, पर उसमें स्पेस नहीं मिल रहा था तो इसलिए नहीं बढ़ पा रही थी। और ये देखिए ढेरों बर्ड्स आई हुई हैं, खूब ढेर सारे फूल आ रहे हैं और ग्रीन कलर में वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। पत्तियाँ बिल्कुल लश ग्रीन हो रही हैं, हरी हरी हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये चांदनी प्लांट, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इसके फूल। और ढेरों बंचेज में ढेर सारे फूल आते हैं, एकदम काफ़ी क्वान्टिटी में फूल आते हैं और मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं चांदनी। और बहुत कम केयर है और गर्मियों का प्लांट है तो आप इसे फुल सन में रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा धूप में ये थोड़ा सा कुंभला जाता है। सुबह दोपहर की जो धूप होती है, 1 बजे से 4 बजे तक की धूप में ये चिलचिलाती गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता ज़्यादा कोई भी प्लांट हो। अभी गर्मी बहुत पड़ ही रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बहुत सुंदर फूल लग रहे हैं इसके और ग्रीन, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हैं, क्योंकि पत्तियां पीली तब पड़ती हैं जब इसे बहुत तेज़ धूप मिलती है और पानी टाइम से नहीं मिल पाता है। अभी ये 20 लीटर की बकेट में मैंने लगा रखा है तो थोड़ी स्पेस भी ज़्यादा मिल गया है तो अच्छे से ये चलने लगी है। थोड़ा सा ऐसे एरिया में रख दिया था मैंने जहाँ से तेज़ धूप डायरेक्ट सन ना मिले, तो इस जगह पर मैंने रखा था। अब मैंने इसकी जगह चेंज की है क्योंकि बारिश शुरू हो रही है। अभी तो फिलहाल हमारे बारिश नहीं हो रही है, धूप बहुत तेज़ आ रही है, हद से ज़्यादा तेज़ है धूप, और फिर भी मैंने थोड़ी सी जगह इसकी शिफ्ट की है। ये तो थोड़ा सा इधर से हटा के इधर रख दिया है, तो अब यहाँ पर तो तेज़ धूप लगती ही लगती है। यहाँ साथ में नींबू का प्लांट भी लगा हुआ है, रखा हुआ था। देखिए इधर चंपा की आड़ थी, इधर इलायची वगैरह की आड़ थी, तो वहाँ पर रखा हुआ था, अच्छे से चल रहा था, मगर अब फिर मैंने इसकी जगह थोड़ी सी शिफ्ट कर दी है इस साइड में। अब देखते हैं कितना अच्छा चलता है यहाँ पर, नहीं तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले यहीं रखा था, बहुत तेज़ धूप लगती थी, छोटा पॉट था तो मिट्टी जल्दी सूख जाती थी और बहुत गर्म हो जाता था, तो इसलिए इसे ये रिपोर्ट करके मैंने साइड में रखा, तो ये बहुत अच्छे से चल गया। और अभी इसकी अब सीज़न आ रहा है कटिंग लगाने का, मानसून शुरू हो गया है तो इनकी कटिंग लगाना शुरू कर दी है। मुश्किल से 4 इंच की कटिंग्स लगा लीजिए, लगा के आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने ये भी कटिंग्स ही लगाया था और लास्ट ईयर नहीं, 2 साल हो गए मुझे इसे लगाए हुए, तो पिछले साल ही शायद मैं नहीं पिछले साल से पिछले साल लगाया था, तो ये कटिंग से ही तैयार किए थे मैंने। कई एक प्लांट उस समय कटिंग से तैयार किए थे, काफ़ी कटिंग्स लेके आई थी जुलाई में, पिछले साल जुलाई में काफ़ी बारिश हो गई, शुरू हो गई थी। इस बार बारिश नहीं हो रही है, इस बार तो हाफ जुलाई निकल गई है सही बिना बारिश के ही, पर फिर भी मौसम थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, गर्मी तो है पर ह्यूमिडिटी भी बहुत हो गई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर हटा दिया, थोड़ी थोड़ी जगह दे दी और प्लांट को हवा लग जाए, क्योंकि हवा नहीं लगती तो भी प्लांट में फंगल इन्फेक्शन का चांसेस हो जाते हैं। वैसे इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन या पेस्ट अटैक नहीं होता है, बहुत ईजिली चल जाती है विदाउट केयर, और ज़मीन में तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन पानी भी ना दें तो भी चल जाता है, पर गमले में तो पानी देना पड़ता है डेली। बीच में ऐसा हो गया था पानी नहीं मिल पाया था तो बहुत बिल्कुल इसके पत्ते लटक गए थे, मुरझा गई थी, बहुत कंडीशन इसकी ख़राब हो गई थी, यहाँ से सूखी सूखी सी हो गई थी, ब्रांचें लटक गई थी, मुझे देख कर दुख लग रहा था कि इतना अच्छा प्लांट मेरा मर जाएगा, मगर फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी नीचे से ला के डाला 1-2 मग, तब ये थोड़ा सा चल पाया, अदरवाइज ये बिल्कुल मरने की कंडीशन में था। तो ये 20 लीटर की बकेट में लगा रखा है और इसे अगर और बढ़ जाएगा तो फिर इसकी या तो रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी या फिर इसे बड़ा पॉट देना पड़ेगा। 18 इंच के ग्रो बैग में लगाऊंगी, फिर मैं खुद से सिलाई करके तैयार करूंगी, तो बहुत प्यारा लगता है ये। इधर चंपा कितनी अच्छी लग रही है, रेड चंपा काफ़ी ऊंची हो गई है, और इधर ये दोनों चांदनी चंपा बहुत प्यारे लग रहे हैं, और लश ग्रीन पत्तियाँ भी हैं। पत्तियाँ इसलिए ग्रीन है क्योंकि एक तो इसका स्वभाव ही ग्रीन होता है, दूसरा अगर इसे तेज़ धूप मिलती तो पीली हो जाती है पत्तियाँ, पर इसे तेज़ धूप नहीं मिली वहाँ पर तो इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन हो रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन। इसमें लिक्विड फर्टाइजर दे दीजिए, अभी तो मैंने क्योंकि 2 महीने पहले ही रिपोर्ट किया था, नीचे ढेर सारी गार्डन में अपने गार्डन की जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं ग्रीन और ड्राई सब मैंने भर दी थी नीचे, और थोड़ी सी गोबर की खाद मिक्स करके मैंने इसे रिपोर्ट किया था, इसीलिए अभी कोई खाद नहीं डाली है। बीच में एक बार मैंने
एनपीके कंसर्टिया का लिक्विड बनाया था वो डाल दिया था, बस इसके अलावा अभी कोई खाद नहीं दी है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, पानी देना ही मुश्किल हो जाता है, भागम भाग हो जाती है, सुबह 5 बजे से ही सूरज आ जाते हैं और बिल्कुल गर्म गर्म कर देते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दे पाएंगी, बना हुआ रखा है बकेट में मगर दे नहीं पाई हूँ मैं कोई भी, और कभी कभी इसमें मिलीबग का अटैक हो जाता है, जैसे साथ में आपने हिबिस्कस लगा हुआ है तो उसका इफ़ेक्ट इस पे आ जाता है मिलीबग का, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, या तो हाथ से हटा दीजिए उसे या पानी के प्रेशर से हटा दीजिए। वैसे कोई इसमें पेस्ट अटैक नहीं होता है, बहुत इजीली चलता रहता है ये। और बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दीजिए इसमें और लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।